निकला। दशहरे के बाद निरंतर हम लोग एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं और उसके लिए ये लंबी परंपरा हमारी चली आ रही है कि दशहरा मिलन समारोह के पर्व में हम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से अपने संवाद करें, अपनी सुख दुख को बांटे। ऐसा ही पर्व के उपलक्ष्य में आज यहाँ दशहरा मिलन समारोह वरिष्ठ नागरिक पेंशनर संघ की ओर से आयोजित किया गया है और अपेक्षा की गई है कि वरिष्ठ नागरिकों की जो प्रमुख समस्या है उन समस्याओं के लिए हम लोग एक दूसरे से संवाद करें, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक जो है वो शासकीय सेवाओं में सेवाएं दे रहे हमारे वरिष्ठ भाई जिन्होंने शासकीय सेवाओं में रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं, वो व्यवस्थित रूप से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक भाई है वो कहीं न कहीं बहुत पीड़ित है। अपना परिवार का दो लोगों का गुजारा आज के समय में उनको करना बहुत मुश्किल हो रहा है और शासन की जो नीतियां हैं उन नीतियों का लगातार हम लोग विरोध करते आ रहे हैं और जो हमारी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों की जो पेंशन है वो पेंशन नाम मात्र की जो हमें मिल रही है उस पेंशन से हमारे परिवार का दो लोगों का महीने भर का चाय का भी गुजारा नहीं हो सके, उसके लिए लगातार वरिष्ठ नागरिक पेंशनर संघ पूरे भारत वर्ष में अलग अलग तरीके से अपने सरकार के सम्मुख अपनी बात को उठाता आया है और लगातार उसको उठाता रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं आज भी सरकार की इस गलत नीतियों के कारण आज भी हम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक परेशान हैं। बाजार में लगातार महंगाइयां आसमान छू रही है, हर क्षेत्र के अंदर देश एक और विकास कर रहा है, सरकार तमाम योजनाओं को जनता के हित में लागू कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक भाई है उनकी समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, उनको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। लगातार हम लोग आंदोलनों के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, अपने बार बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार के सम्मुख अपनी मांग को उठाते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारी मांगों को लेकर अभी भी उदासीन है और उसको लेकर माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री महोदय से मैं ये मांग करना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों की जो लंबित मांग है पेंशन को लेकर और उस पेंशन फंड के अंदर हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, इसके लिए सरकार को अगर मान लो कोई भी श्रमिकों को अगर 5,000 से लेकर 8,000 तक की पेंशन अगर लागू हो जाती है वो भी केंद्र सरकार के ऊपर कोई उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती है, फिर भी सरकार अपनी हट धर्मिता के कारण उस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से और सभी वरिष्ठजनों की ओर से केंद्र सरकार के सम्मुख अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले तमाम जो हमारे श्रमिक भाई है उनके पेंशन को कम से कम 8 से 10,000 रुपया किया जाना चाहिए। क्या आप लोग इसके लिए सहमत हैं?